पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए सपा की सरकार बनी तो आजम खान जेल से बाहर होंगे वाले बयान पर पलटवार किया है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे न्यायालय की साफ तौर पर अवमानना होती है। सपा सांसद डॉक्टर हसन ने आगे कहा कि गत दिनों मुरादाबाद में हुई अमित शाह की रैली में अमित शाह तो बहुत कुछ कह गए, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बाईपास कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आजम खान को अगर जेल में रखना है तो भाजपा की सरकार लाओ। इस देश में क्या न्याय प्रणाली खत्म हो गई है? क्या ये हमारे जजों का और न्यायालय की अवमानना नहीं हुई? तो अमित शाह जी इस वक्त जो जी चाहे वो बोल दे, इस वक्त के वो शहंशाह हैं। उन्होंने कहा कि जो गुंडागर्दी बीजेपी के शासनकाल में उनके लोग कर रहे हैं वो आप अकेले में जाकर कभी अधिकारियों से पूछे। आप कैमरा ऑन मत करना और अधिकारियों से पूछना, आपको मालूम हो जाएगा कि भाजपाइयों ने उनका हुलिया बिगाड़ रखा है। इन कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा के हैं, समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने किसी के साथ कभी कोई गुंडागर्दी नहीं की। सपा के सहयोगी दलों के साथ की गई बैठक में डॉक्टर एसटी हसन अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे। त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, छोटे कारोबारी हो, किसी को भी इस वक्त बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी में असर हो रही है। इसलिए सभी लोगों ने तय करा है कि हम सब मिलकर वो सरकार जिसने लोगों के आंसू निकाल दिए उसको उखाड़ फेंके। इसीलिए सब लोग आज यहाँ पर जुटे हैं। देखिए, महान दल के लोग हैं, प्रसपा के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, सोहेलदेव पार्टी के लोग हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियों के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये सब दबे कुचले और परेशान लोग हैं जो इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और सब उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, अमित शाह जी तो बहुत कुछ कह गए हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बाईपास कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आजम खान को अगर जेल में रखना है तो भाजपा की सरकार लाओ। इस देश में क्या न्याय प्रणाली खत्म हो गई? क्या ये हमारे जजों का और हमारी अदालतों का अवमानना नहीं हुई? तो अमित शाह जी का तो जो जी चाहे वो बोलते हैं, वो तो इस वक्त के शहंशाह हैं। जो कह रहा है पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गुंडे हैं, जो हमें झंडा लगाकर बोलते हैं, जो गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त कर रहे हैं वो आप अकेले में जाके अधिकारियों से पूछिए। आप कैमरा ऑन मत करना और खामोशी से उनसे पूछना, आपको मालूम हो जाएगा कि उनका हुलिया बिगाड़ रखा है इन कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा के हैं। समाजवादी कार्यकर्ता ने कहीं किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं करी। 22 के चुनाव में इनका सफाया होना है। अब मैदान सज चुका है, खेल शुरू होने वाला है। अब खेला होवे और खदेड़ा होवे वो आप देखेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।